कृष्ण ने कहा कि बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाएं, बिना काम की शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे तो देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुँचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। कथा की सीख में भगवान ने संदेश दिया कि जब भी कोई काम करना हो तो इसकी योजना जरूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव ने नंद बाबा और यशोदा के पास पहुँचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध दही घी माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें करके दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़े। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजीत। उसे सूर्य देव ने स्वयं तक नाम की चमत्कारिणी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजीत ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजीत को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि प्रसन्न ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उसमें क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया और मणि यही कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी।
और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझो और आरोपों को झूठा साबित करो।